नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं मोदक। सबसे पहले हम लेंगे देसी घी, और ये देखने में बहुत सिंपल है लेकिन इससे 5 से 10 मिनट लगते हैं बनाने में, समय लगता है। तो चलिए अब हम इसमें बेसन डाल देंगे। तो ये बेसन को हम धीरे धीरे ऐसे ही पकाएंगे, 5 मिनट के लिए पकाते रहेंगे। पकाने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा और धीमी सी खुशबू आने लगेगी। पाँच मिनट के लिए पकाएंगे, जब ये पक जाए, धीमी सी खुशबू आने लगी, तो हम इसमें 1 गिलास दूध डाल देंगे। दूध के बाद अच्छी तरीके से इसे हम मिला देंगे। आप चाहे तो इसे थोड़ा ठंडा करके डाल सकते हैं ताकि इसकी जो गांठें हैं वो ना बने। इसे हिलाते रहिएगा। देखिए हिलाने के बाद बिल्कुल मिल चुका है। अब हम इसे और पकाएंगे ताकि बेसन बिल्कुल भी कच्चा ना रहे, क्योंकि ये जब पक जाता है तभी इसका स्वाद आता है। तो चलिए धीमी आंच पर ऐसे ही और पकाते रहेंगे। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद हम इसमें देसी खंड डालेंगे स्वाद अनुसार, अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। देसी खंड डालने के बाद हम इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसके, आप चाहे तो लड्डू बना सकते हैं, आप चाहे तो मोदक बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसे अच्छे से मिला लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से मिलाना है ताकि ये जो हमारी देसी खंड है वो मिक्स हो जाए बिल्कुल। आप देसी ही अच्छे से डालिएगा तभी जाके ये बनेगा, कम में नहीं बनेगा। तो मेहनत तो है। तो चलिए अब इसे भी मिलाएंगे। इसे भी धीरे धीरे मिलाते रहेंगे तब। तो चलिए मिलाने के बाद हम इसके मोदक बनाएंगे। चलिए अब हम इसे बना लेते हैं। हम थोड़े से लड्डू बनाए हैं और बाकी के मोदक बना लेंगे। चलिए अभी तो हमने आधे बना लिए, बाकी के आपको दिखाते हैं कैसे बनानी है। आप देखिए इसे इस तरीके से शेप बनानी है। शेप बनाने के बाद हम इसे 1 चम्मच के साथ इसको शेप दे देंगे। शेप कुछ ऐसे देंगे ताकि देखने में अच्छे लगे।
तो चलिए ऐसे ही गोल गोल शेप में बनाएंगे मौदिक, क्योंकि गणेश गणपति बाबा जी के ये फेवरेट होते हैं। आप चाहे तो लड्डू भी बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल बन चुका है। ऐसे ही गोल गोल जमाने से तो चलिए अब हम इसे भी शेप दे देते हैं एक चम्मच के साथ। आप चाहे तो और शेप भी दे सकते हैं, लेकिन हम यही देंगे क्योंकि अच्छा लगता है। ये हमने कल के दिन बनाए थे। पूरे देश में ये त्योहार मनाया जाता है और हमने पहली बार आपके साथ ये मोदक बनाए हैं, तो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। ये बहुत ही अच्छे बने हैं। इसे त्योहारों के मौसम में कभी भी बना सकते हैं। इसका जो टेस्ट है खोए की तरह है। आप इसे किसी भी समय बना सकते हैं, तो बनाने में आसानी है। आप बहुत ही आराम से बना सकते हैं। लड्डू बना रहे हैं तो हम इसकी डेकोरेशन करते हैं। ये देखिए, आप लड्डू में पिस्ता बादाम डाल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो कीजिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम आपको और वीडियो दिखाते रहेंगे त्योहारों के दिनों में। अब हम आपको नवरात्रि में और नई वीडियो दिखाने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।